अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आया था यहाँ बैंक पे और मुझे किसी PPSC के टेस्ट की फ़ीस जमा करवानी थी, तो उसकी लाइन जो थी वो बहुत लंबी थी। मैंने वो जमा करवाई और इस वक्त मैं बाइक चला रहा हूँ। और आज के ब्लॉग का यहीं से आगाज़ करते हैं। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम जो है बहुत ही ज़बरदस्त और फिट किस्म का बन चुका है और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी तक तो मैं रोडों पर हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि तेज़ बारिश ना हो, मैं घर पहुँच जाऊँ आराम से। तो मैं कैमरा नहीं था लाया और मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल पे मैं जाते हुए रास्ते की वीडियो तो शूट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहा रास्ते में से मैं ब्लॉग शुरू करता हूँ आज का। और पूरा घंटा मुझे लग गया बैंक में, इतनी लंबी लाइन थी। और एक तरफ वो लड़कियों की जो है फ़ीस जमा कर रहा था और दूसरी तरफ वो लड़कों की फ़ीस जमा कर रहा था, तो वो बहुत मुश्किल काम था। और वो बहुत ढीला आदमी था, बहुत गुस्सा आया मुझे उस आदमी पे। लेकिन फिर भी शुक्र है मेरा टाइम से काम हो गया, मेरा एक दोस्त मुझे वहाँ पर मिल गया तो मैंने उसको दिया और उसने मेरे साथ जमा करवा दी। तो अभी मैं बैठा हूँ अपने दोस्त के घर और उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, कहीं बाहर से कोई चीज़ लेने गया है। उसको मैंने मना भी किया था लेकिन वो फिर भी लेने गया है, तो आता है आपको उससे भी मिलवाते हैं। और वो जो है मेरा दोस्त, वो बन रहा है डॉक्टर, MBBS कर रहा है जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, तो उससे भी मिलवाते हैं आपको। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा जो है दोस्त के घर आने का प्लान बाय चांस बना, मेरे का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे इससे मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया था और रास्ते में इसका घर पड़ रहा था, तो मैंने कहा यार मैं इससे आज मिलकर ही जाना है, बहुत दिन हो गए। मेरे जो है ये कॉलेज में था क्लास फेलो, तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था तब, हम चार का ग्रुप था, एक इस्लामाबाद होता है, एक इटली होता है और एक ही गुजरांवाला, और मैं भी अभी फ़िलहाल गुजरांवाला, ये भी लाहौर में पढ़ते हैं, मैं फैसलाबाद, यानी सारे जो हैं अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मेरा आज दिल गया, मैंने कहा इससे मिलना है तो मिल के जाना है। तो जी जनाब, ये है मेरा दोस्त मोहम्मद रफ़ी हुसैन, ये MBBS कर रहा है, ये डॉक्टर साहब बन रहे हैं, हमसे बहुत ऊपर के लेवल के डॉक्टर बनेंगे ये। हम तो ज़रात के डॉक्टर बन रहे हैं कीड़ों के, और ये बन रहे हैं इंसानों के डॉक्टर। तो इनसे मैं आज मिलने आया हूँ। तो रफ़ी भाई की हालत इस टाइम बहुत बुरी हुई हुई है, पसीने से। मैं घर में काम कर रहा था और भाईजान ने छापा मारा है, तो फिर क्या कर सकते हैं, इस तरह ही चलता है घर में काम, फिर आप भी जानते हैं। और ये बताएं कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी है? जरा बहुत पुरानी है जी, फिरौन के जमाने से जानता हूँ फिरौन के जमाने से जानता हूँ मैंने, और मेरे सामने ही बस खराब हुए हैं भाईजान ये, इस तरह ही है, समझ सकते हैं आप। बात भाई पानी पीजिए। आज मेरी बहुत सी जो है ना पुरानी यादें ताज़ा हुई, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे रफ़ी भाई के साथ। और रफ़ी भाई अभी अंदर से अपना मोबाइल लेने गए हैं, तो वो आते हैं तो हम उनको दोबारा ब्लॉग में लेते हैं। वो बेचारे ना शर्मा रहे हैं ब्लॉग में आते हुए, लेकिन हमने भी कहा हम भी ठीक है, हमने उनको लेकर ही आना है ब्लॉग में। तो जी दोस्तों, अब रफ़ी भाई हमारे साथ आ गए हैं और अब हम इनसे चाहते हैं इजाज़त। काफ़ी वक्त इनके साथ हमने गुजारा है और बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, और जितनी पुरानी यादें थी वो ताज़ा हो गई हैं एक दफ़ा फिर। और हमारे बाकी दोस्त भी हमारे साथ होते तो
बड़ा हमारा और दोबारा हो जाना था क्यों रफी भाई, उनको मिस कर रहे हैं और वो जानते हैं वो कौन है। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको कुछ शर्म करनी चाहिए, वैसे तो इनको भी करनी चाहिए थोड़ी सी। जब भी हम मैं मिलने आऊँ ये नहीं मिलने आते। फहद भाई का ये गिला भी दूर करेंगे अब इंशाल्लाह। ये भाई जान अल्लाह की तो 2 साल बाद एक कामयाब डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे और लोगों के इलाज करेंगे। किसी भाई ने इनसे इलाज करवाना हो तो वो मुझे DM कर दे। अभी मैं आया हूँ नहर के किनारे, मैं कहा नहर के किनारे थोड़ी देर बैठते हैं। ये देखें मेरे पीछे अपर चनाब, ये नहर है और ये बह रही है, कितनी ज़बरदस्त सीन है। और साथ में पूरे रास्ते पे ये दरख्त वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं इस साइड पे, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका सारा नज़ारा। और ये बहुत ही ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा है और साथ ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ। देख सकते हैं आप नहर के किनारे कितने घने दरख्त लगे हुए हैं और मैं रिस्क ले रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए। मैं मोबाइल से ही बना रहा हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा और एक हाथ से मैंने हैंडल देखा, दूसरा हाथ मेरा खाली है देख सकते हैं आप, और गन को इग्नोर करें। तो दोस्तों अभी अभी मैं घर पहुंचा हूं और आंखों और बालों का बुरा हाल हुआ हुआ है, पहले जाके इनको सही करते हैं फिर ब्लॉग को आगे शुरू करते हैं। आज का मेरा ब्लॉग ऐसे ही रैंडम मैंने बना लिया, मेरा कोई इरादा नहीं था, फिर भी मैंने कहा चलो मोबाइल से बना लेता हूं, क्या जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं ख़त्म। मुझे उम्मीद है आपको मेरे साथ सफ़र अच्छा लगा होगा, नहर के किनारे का भी और मेरा दोस्त भी आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, ID जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर उधर भी मुझे फॉलो करें और उधर से भी अपडेट रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा मेरी ब्लॉगिंग का। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग जो कि है घर पर किया गया ऑपरेशन नहीं देखा तो आप ज़रूर वो भी देखें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा, वो बहुत मेहनत और बहुत फ़नी वे में मैंने वो व्लॉग बनाया है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।